चुपचाप लोग हैं, समझते नहीं, बस जो जो कुछ बोल दिया उसको सुन लेते हैं। ध्रुव की चर्चा हो गई, यही मांगा है ध्रुव ने कि हे प्रभु मुझे 24 घंटे मिलते रहें सत्संग। भैया ब्रह्मा ने सृष्टि की, ब्रह्मा ने बाकी चीजें बनाई, पर यह लोक साक्षात ठाकुर जी ने स्वयं बनाया, ध्रुव लोक, ध्रुव के लिए, जहां सप्तऋषि से घिरे हुए ध्रुव निरंतर सत्संग का आस्वादन करते रहते हैं। भगवान हम सब पर कृपा करें कि हमें भी जीवन में महाराज ऐसा कुछ मिल जाए कि अरे बहुत बढ़िया, हमें भी जीवन में ऐसा मिल जाए कि मौज आ जाए, क्या हमें भी ऐसे सत्संगियों का, हमारे और पाणी जी की तरह सत्संगी हो तो व्हाट्सएप पे भी सत्संग भेज देते महाराज, हम लोगों का सत्संग चलते रहे तो व्हाट्सएप पे भी तो सत्संग चलता रहे महाराज, दिव्याति दिव्य भाव से। ऐसा जगह खोजो मैया, आप लोग भी, वो जो काकी और बगल वाली मौसी और वो सब जब बात करती हूँ सब मत सुनो, वो तुम्हारी बहू की बुराई तुम्हारे सामने करती है, बताओ इतनी हिम्मत, फट से बोल दो खबरदार हमारी बेटी है हमारे घर में आई है, तू काय को बुराई कर रही है हमारी बहू की, छोड़ दे, तो आप ही करोगी। तो सत्संगी खोजो, सत्संगी। भगवान शंकर ने भगवान श्री रंग राम से एक ही चीज मांगा, जीवन में वरदान मांगने का समय आया तो एक ही चीज कह दिया। गोस्वामी जी कहते हैं, बार बार बर मांग हूं हर से देहु श्री रंग पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग, पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। जब भक्ति मांगा भोलेनाथ ने तो भगवान श्री रंग ने कहा, भक्ति हो गया मतलब सब हो गया, अहम भक्त पराधीनो हिव स्वतंत्र इव द्विज, भैया भक्ति दे दिया तो हम तो पराधीन हो गए। कहा नहीं 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 नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा महाराज, पहली बार मांग रहे तो बढ़िया से दो। बोला भक्ति मांग रिया, अब क्यों मांग रहे हो, भक्ति तो मणि है, भक्ति मिल गई तो दुनिया में कुछ बचता ही नहीं, भक्ति मिल गई तो गोविंद भी पीछे पीछे चलता है, गोविंद तुम्हारी पीछा करेगा भक्ति मिल गई तो, पराधीन हो जाते हैं गोविंद, अब क्यों मांग रहे हो। भगवान शंकर ने कहा, भैया बड़ी बात बढ़िया आपने कही, मणि है भक्ति, पर मणि को हम ऐसे बाहर नहीं रख देंगे ना, हमारे पास कोई फ्लैट नहीं है, हम तो ऐसे ही महाराज रहते कहां पर, बड़ा स्मशान में रहते, कैलाश में रहते, हमारे पास कोई अलमारी नहीं जो हम इस भक्ति रूपी मणि को छिपा सके। महाराज भक्ति तो दे दिया पर इस भक्ति को बचाने के लिए एक सुंदर हमको आरंचेस, एक बड़ी अलमारी दे दो जिस तिजोरी से कभी कोई हमारी भक्ति को चुरा ना सके। बोला कौन सी तिजोरी है, का इस दुनिया में अगर भक्ति रूपी मणि को बचाना है तो सदा सत्संग रूपी तिजोरी में उसको डाल दो, तुम्हारी भक्ति को कोई नहीं मिटा सकता, सदा सत्संग ही है जो भक्ति को बचा सकती है।